नंबर का जो अभी अपलोड हुआ है डिवीजन अलॉटमेंट, उसमें 122 को तो अंडर प्रोसेस कर दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वैकेंसी जो है वो दिसंबर तक की ली हुई है, अभी 6 महीने बाकी हैं। हम 2 साल की वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है ना, तो अभी 2 साल में से 1.5 साल निकले हैं ना, तो जितनी वैकेंसी हुई है उतने के लिए अभी कॉल लेटर है, बाकी धीरे धीरे और लोग रिटायर करेंगे, वैकेंसी निकलेगी दिसंबर तक में, बाकी सारे का कॉल लेटर जाएगा। यानी कि हम लोग का दिसंबर तक में क्लियर होगा? मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे मेरिट कहाँ पे है, कुछ लोगों को जुलाई में मिल जाएगा, कुछ को सितंबर में मिलेगा, जैसे जैसे वैकेंसी और होती जाएगी वैसे वैसे अंत में दिसंबर तक में क्लियर होगा। यानी कि 512 का जो पैनल था इसमें सभी को मिल जाएगा दिसंबर तक में? मेरे ख्याल से तो मिल ही जाना चाहिए, इसलिए चिंता नहीं करो तुम लोग, लेकिन 2 साल की वैकेंसी है दिसंबर तक की, एक बार में एक रन नहीं होता, सबको वेट करना पड़ता है, धीरे धीरे ही लगता है, इसलिए आराम रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है। ओके जी, ये तो सुनो, तुम्हारे दोस्तों को भी तुम बता दो, मेरे पास बहुत कॉल जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। तो दोस्तों, ये जो अपडेट था वो RRB JEE के रिगार्डिंग था, जो CPO ऑफिस पर काफी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे थे और उन्हें अपने डिवीजन अलॉटमेंट और आगे की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग क्वेरी कर रहे थे। तो दोस्तों, इस ऑडियो से एक कंक्लूजन निकल रहा है, जो RRB JEE की वैकेंसीज थी दोस्तों, वो 2 सालों को टारगेट करके ली गई थी, क्योंकि 2018 में दिसंबर में आपकी भर्ती आई थी और इनका कहना है कि जो भर्ती है वो अपकमिंग 2 साल की जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए ली गई हैं। तो दिसंबर 2020 में दोस्तों लगभग जो भी वैकेंसीज है वो सबकी ज्वाइनिंग वगैरह 2020 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा वेटिंग के लिए। तो दोस्तों, जो वेटिंग है दोस्तों, इन्हीं दिसंबर 2020 की ज्वाइनिंग होगी। जब जितने लोग इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद एक रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या सप्लीमेंट्री पैनल आएगा, जो लगभग ज्वाइनिंग के लगभग 2 या 3 महीने बाद जो जारी किए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो दोस्तों, जो आपकी वेटिंग होगी आपकी मार्च 2021 से क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।